एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 9 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई 27 × 10⁻⁴2 है। इसको हमें और सरल करना है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे x वैसे ही रहा, इधर देखो तो 9 से 27 डिवाइड हो सकता है, यानी कि 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 27 यानी 1/3 ये बचेगा। और ऐसे यहाँ पे देखो ऊपर है 10⁻⁵ और जो पावर में नीचे है, जैसे 10⁻⁴2 नीचे है ना, इसको ऊपर ले चलते हैं तो ये बन जाएगा 10⁻⁴2, है ना। यहाँ माइनस था, ऊपर गया, कैसे हो गया प्लस। और अब यहाँ से चाहो तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.333 ऐसे आता रहेगा, इसको हम 4 मान लेते हैं। और इंटू में 10⁻⁵ है और 10⁻⁴2 है, बेस सेम है, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, यानी 10⁻⁵ + 42 बचेगा। और अब यहाँ पे 0.34 वैसे रहा, इंटू में 10 पावर में देखो कितना बचेगा, अब तो 42 प्लस का है, 51 माइनस का है, तो यहाँ पे 8 और 1 माइनस का 9 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 42 प्लस का था, ये माइनस का था, दोनों माइनस करेंगे और माइनस में 9 बचेगा। और अब यहाँ से चाहो तो इस पॉइंट को थोड़ा सा एक अंक आगे ला सकते हैं, तो जब इसको हम आगे लाएंगे तो ये बनेगा 3.4, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट अगर पीछे आ रहा है, इसका मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, 10 से अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर में एक और बढ़ जाएगा, यानी माइनस का 10 हो जाएगा, और ये x का सरलतम रूप है।